हेलो ऑल ऑफ यू दिस इज स्टडी पॉइंट क्लासेस और इस वीडियो में हम कवर करेंगे लाइब्रेरी साइंस का 2004 का नेट का पेपर ये जो हमारी स्पेशल सीरीज़ है इसमें हम पिछले 15 साल के यूजीसी नेट के पेपर कर रहे हैं तो आज हम 2004 का पेपर करेंगे अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो शुरू करते हैं आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं यू जी सी नेट का टू थाउजेंड फोर का पेपर है देखो तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एनुअली सिंस कब से सेलिब्रेट कर रहा है तो इसका जो आंसर है वो है नाइनटीन सिक्सटी एट जो लाइब्रेरी वीक है इंडिया के अंदर वो नाइनटीन सिक्सटी एट से बन रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर फॉर्मली डिक्लेयर वन ऑफ द फ्लोइंग एज मतलब जो ये जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो एजुकेशन मिनिस्टर थे फॉर्मली उन्होंने कौन सी लाइब्रेरी इनमें से दो फरवरी 1953 में ओपन करी थी तो वो है नेशनल लाइब्रेरी कैलकत्ता ठीक है इसके बाद लाइब्रेरी लिटरेचर क्या है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुके इन्फॉर्मेशन है सेकेंडरी सोर्स है टर्सरी सोर्स है या लिटरेचर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेश वो है सेकेंडरी सोर्स अगर किसी कोई भी हमारी थ्योरी की देख देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर में जाके आप देख सकते हैं हमारे थ्योरी की वीडियोस। क्वेश्चन है जब फ्रिक्वेंसी ऑफ डाटा इंडिया क्या है वीकली पब्लिश होती है फोर पब्लिश होती है या मंथली पब्लिश होती है तो ये वीकली पब्लिश होती है नेक्स्ट क्वेश्चन बर्न कन्वेंशन का किससे कंसर्न है देखो बर्न कन्वेंशन आपको पता ही है ये एक तरह से कॉपीराइट से इसका कंसर्न है ठीक है इसके बाद क्वेश्चन छः है द इंडियन स्टेट विच एनेक्ट द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन 1948 तो जो सबसे पहले 1948 में हुआ था वो मद्रास में हुआ था ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन द कंसेप्ट ऑफ एस डी आई इज गिवन बाय एच पी ल्यूहन इसके बाद द करंट अवेयरनेस बुलेटिन वो क्या है प्राइमरी सोर्स है एनुअल सोर्स है ट्रेंड सोर्स है कौन सा सोर्स है करंट अवेयरनेस हमारा प्राइमरी सोर्स है इसके बाद क्वेश्चन नाइन्थ में है इन 1996 द मार्क एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किसने मार्क प्रोजेक्ट जो पायलट प्रोजेक्ट है में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था ये था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस उसके बाद क्वेश्चन टेन है सार्क डॉक्यूमेंट सेंटर वाज एस्टेब्लिश इन कौन से ईयर में सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर एस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था 1985 में रंगानाथन अगला क्वेश्चन इलेवंथ क्वेश्चन है रंगानाथन कैन ऑफ क्लासिफिकेशन एज अ ग्रुप इंटू थ्री प्लेन्स ऑफ वर्क एज इसके जो तीन प्लेन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है आइडिया वर्बल और नोटेशन जो कि है आंसर बी द फर्स्ट ब्लॉक इन आई जो आई हमारे पास नंबर होता है अगला क्वेश्चन क्या है जो आई हमारा नंबर होता है इसमें फर्स्ट ब्लॉक किसको लिए आइडेंटिफाई करता है तो ये है जियोग्राफिक आइडेंटिफीफायर ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आर बाय थ्योरीटेड बाई मैक मैगजर इसका ए आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फिजिकल साइज ऑफ ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज किसी भी ब्लॉक की ऑफ इंफॉर्मेशन की फिजिकल साइज को रिड्यूस करने को मेथड को क्या कहते हैं इसका आंसर है बी डाटा कंप्रेशन कंप्रेशन सॉरी इसके बाद है क्वेश्चन फिफ्टीन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी तो मेमोरी आप लोगों को पता ही होगा ये है रैम नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटींथ एल वाई सीओ ये क्या है सर्च इंजन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाटाबेस है ये है सर्च इंजन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द एबिलिटी टू ट्रेवल बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यूजिंग एनी नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव पार्ट टू फाइंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नोन एज देखो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को ट्रैवल किसी पाथ को तो उसको हम क्या बोलते किसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के पहुंचने के पाथ को क्या बोलते हैं इसको कहते हैं ब्राउजिंग सॉरी ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन है क्वेश्चन है डिजाइन विद ओपन एंडेड क्वेश्चन इज नॉन एज फ्लेक्सिबल 19 है नोन सैंपलिंग एरर रेफरड एज एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी इसको है 20 द पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ये कब एस्टेब्लिश हुई थी ये हुई थी 1951 में 21 क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या कवर होता है देखो हमें पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट होता है कॉपी राइट होता है ठीक है तो वन और टू कंप्यूटर प्रोग्राम भी होते हैं बिल्कुल सही है सेंसरशिप नहीं होता तो इसका आंसर है वन टू और थ्री है, टू और थ्री ये आंसर है इसका सॉरी पेटेंट इसमें कवर नहीं होगा ना पेटेंट तो होगा को पेटेंट को हम आई में थोड़ी ना कवर करते हैं हम कॉपी को करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में क्या है द लाइब्रेरी आइडेंटिफाइड बाय इनफीलेब्लेट टू एक्ट एज डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर तो कौन कौन से इन्फिलेबिनेट ने, ने डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर्स को अपॉइंट करा है तो इसका आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है एक और एक है पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चंडीगढ़ तो इसका आंसर हो गया सी नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी थर्ड विच ऑफ फॉलोइंग एज आर ट्रेड बिब्लियोग्राफीज तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी एक तो बुक इन प्रिंट्स हमारी ट्रेड बिब्लियोग्राफी होती है और एक हमारी इनमें से है इंडिया बुक इन प्रिंट ये ट्रेड ये तो इसका आंसर हो गया वन थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच ऑफ फॉलोइंग इज टू प्रोवाइड सिलेक्टिव ऑफ़ इंफॉर्मेशन ठीक है एस डी आई सर्विस क्यों? क्या हम एक तो ऑथर प्रोफाइल नहीं ऑथर प्रोफाइल नहीं होता उसके बाद है लाइब्रेरी प्रोफाइल डॉक्यूमेंट प्रोफाइल होता है यूजर प्रोफाइल होता है लाइब्रेरी प्रोफाइल नहीं होता है डॉक्यूमेंट प्रोफाइल होता है यूजर प्रोफाइल इन दो कोई तो मैच होता है एसडीआई में तो इसका आंसर हो गया सी द कंपोनेंट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर अथॉरिटी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी तो इसमें लीडरशिप नहीं आएगा इसका वन थ्री और फोर आंसर है सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग कौन कौन से मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है तो क्लासिफिकेशन नहीं है एग्लोमेशन है सी डेन है डिवीजन नहीं है तो इसका है ए टू एंड थ्री इसका है ट्वेंटी द कॉम्पोनेट इज अथॉरिटी आर अथॉरिटी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तो इसका आंसर है हमारा लीडरशिप नहीं आएगा वन थ्री एंड फोर द फॉलोइंग आर यूज एज आर यूज एज ट्रांजिशन मीडिया ऑफ वॉइस डाटा कम्युनिकेशन तो ट्रांज जो डाटा कम्युनिकेशन में कौन से ट्रांजिशन मीडिया का यूज़ होता है इनमें से कॉपर वायर होता है जो कि और इसके बाद है हमारे प्लास्टिक वायर ये नहीं होता ऑप्टिकल वायर होता है कॉपिकल वायर होता है बिल्कुल होता है तो इसका आंसर है सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब ब्राउजर इसमें वेब ब्राउज़र कौन सा है याहू नहीं ये सर्च इंजन है ये वेब ब्राउज़र नहीं है गूगल भी वेब ब्राउजर नहीं है नेटस्केप वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है तो आंसर आगे डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेजेस इन रिसर्च प्रोसेस तो रिसर्च प्रोसेस में हमारे कौन कौन से स्टेजेस होते हैं थ्योरी ओके okay, तो इसको हमें सीरियल में बताना है देखो पहले नंबर पे होता है हाइपोथेसिस और उसके होता है थ्योरी उसके बाद होता है लॉ उसके होता है एग्जियम तो आंसर आएगा बी इसका क्वेश्चन नंबर थर्टी है द लाइब्रेरी विच इज़ कंसिडर एज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज़ कौन 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 सी इसमें यूनाइटेड स्टेट की लाइब्रेरीज हैं तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बिल्कुल हाँ जी ये है आ, लोकेटेड एड वाशिंगटन डी हाँ बिल्कुल सही है ए एंड फोर सही है इसका द थ्योरी रिलेटेड टू मोटिवेशन आर ठीक है इसका आंसर क्या है मोटिवेशन से इसमें रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी हैं तो एक तो मैस्लो ने दिया था इसका आंसर और एक मै ग्रोवर थ्योरी वाई एक्स एंड वाई देखो एक्स एंड वाई से एक क्वेश्चन और आ गया इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ठीक है थर्टी वन हो गया इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट थर्टी टू क्वेश्चन विच इज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क्स इंटरनेट बिल्कुल इंटरनेट है डेलनेट नेट एन आई नेट ओ सी एल सी देखो इंटरनेट इज नॉट अ लाइब्रेरी नेटवर्क इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क तो डेलनेट सबसे पहले हमें पता ही है ठीक है और उसके बाद एन थर्ड एन आई सी नेट भी लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है ओ सी एल सी बिल्कुल ये ओ सी एल सी लाइब्रेरी नेटवर्क है तो इसका डेलनेट और ओ सी एल से यानी डी आंसर है इसका थर्टी थ्री क्वेश्चन हमारा है द नेशनल लेवल एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी थर्टी थ्री क्वेश्चन है द नेशनल लेवल एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज आर कौन कौन सी हैं इसमें से तो हमारे ये सबसे पहले तो एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये है ये इंटरनेशनल है और इंडियन एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरीज ये है तो इस आंसर सी हो गया इसका इसके बाद थर्टी फोर क्वेश्चन आर यूज एज अ टूल ऑफ वकेबलरी कंट्रोल इन इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग में वकेबुलरी कंट्रोल के लिए कौन सा हम टूल इनमें से यूज़ करते हैं तो डिक्शनरी नहीं करते हैं वोकेबलरीरी के लिए नहीं यूज होते डिक्शनरी थ्यू सोरस जी हाँ ये होता है सब्जेक्ट रीडिंग ये भी होता है तो आंसर आ गया इसका सी द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डो नॉट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन देखो कौन से ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कौन से स्टेट में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नहीं है बिहार में बिल्कुल नहीं है ठीक है मणिपुर में नहीं है बिल्कुल नहीं है मेघालय में सॉरी मणिपुर में है ठीक है महाराष्ट्र में भी है तो आंसर है बिहार और मेघालय वन एंड थ्री देखो इसके बाद क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं थर्टी फाइव के बाद सीधा फोर्टी वन क्वेश्चन है वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें बीच में जो पांच क्वेश्चन आए हैं वो हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है वो आपको पता ही है पांच क्वेश्चन नेट के पेपर में एक तरह का पैसेज आता है जो दस नंबर का ठीक है वो हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा जूम कर लेते हैं ओके फोर्टी वन क्वेश्चन क्या है आ, <clears throat> हमें मैच करना है ओके okay? तो कम्युनिकेशन बैरियर को मीडियम से या टाइप या थ्योरी से तो कम्युनिकेशन मीडियम है कॉम्युनिकेशन uh, बैरियर है ये है ये है तो सबसे पहले ले लो कम्युनिकेशन बैरियर तो इसका किससे मैच होगा ए का किससे होगा तो कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है नॉइस होता है ये आप लोगों को पता है तो इसका आंसर देखो और फोर तो किसी में है ही नहीं तो यही हो गया इसका आंसर बाकी भी अब देख लेते हैं कम्युनिकेशन बैरियर ए का वर्ल्ड फोर हो गया उसके बाद भी है कॉम्युनिकेशन मीडियम मीडियम क्या होता है बी बी मीडियम क्या होता है रेडियो हो गया रेडियो वेव्स मॉडल शैनन वीवर मॉडल हो गया ठीक है और कॉम्युनिकेशन चैनल क्या होगा फॉर्मल या इनफॉर्मल हो गया ठीक है तो आंसर हो गया इसका फोर्टी ओके okay, इसके बाद है फोर्टी टू क्वेश्चन अब हमें बताने हैं कि एक तो लाइब्रेरी एक्ट और वो कौन से ईयर में इन हुई है उन तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट देखो ये तो याद होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये तो आंध्र प्रदेश का नाइनटीन सिक्सटी में हुआ था ठीक है अब थ्री थ्री दो है अगला बी का टू होगा महाराष्ट्र वाला नाइनटीन सिक्सटी सेवन में हुआ था ठीक है इसके बाद सी वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल हुआ था सेवेंटी नाइन में आंसर हो गया सी तो अगली स्लाइड लेते हैं फोर्टी थ्री क्वेश्चन फोर्टी थ्री क्वेश्चन क्या है रेफरेंस बुक बताना है उसका पब्लिशर बताना है ठीक है तो यूनिवर्सिटीज हैंडबुक कौन पब्लिश करता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ये पता होना चाहिए आपको ठीक है जो यूनिवर्सिटीज इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जो यूनिवर्सिटी हैंडबुक है उसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन करता है अब वन हो गया इसके बाद बी नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल ऑफ इंडिया ठीक है इसको कौन पब्लिश करता है इसको पब्लिश करता है इंडियन नेशनल साइंटिस्ट्स साइंट इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इन स्टॉक करता है इसको नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक ठीक है इसके बाद लीसा जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्रैक्ट है ये कौन करता है ये करता है ये, ये, करता, है, ये, ये करता है बोकर सोर ठीक है तो आंसर हमारा आ गया डी इसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन ट्वेंटी फोर्टी फोर क्वेश्चन फोर्टी फोर क्वेश्चन में हम जाएंगे टाइप ऑफ इंडेक्सिंग है और ऑथर ये बताने है किसने कौन से टाइप ऑफ इंडेक्सिंग बताई है तो सबसे पहला है चेन इंडेक्सिंग चेन इंडेक्सिंग बताई है एस आर रंगानाथन ने तो चेन इंडेक्सिंग का आ गया एस आर रंगानाथन ठीक है ए का थ्री आ गया अब इसके बाद है यूनिटर्म इंडेक्सिंग प्रीसेस प्रेसिस तो सबको पता होना चाहिए इसको दिया था को दिया था आपने ड्री कॉस्टिन ने ठीक है अब सी में वन और ए में थ्री यही है तो यही आंसर हो गया ऐसे जल्दी होता है आपको जरूरी नहीं है चारों ही पता होना चाहिए ठीक है तो मैं टाइम बच रहा हूं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ देखो हमारा मतलब समझाना नहीं है आपको क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करवाना है ताकि आपको रिवाइज़ हो सके ठीक है तैयारी के साथ साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो हम चैप्टर के वीडियोस डाल रहे हैं वहाँ जाके देखो हम यहाँ पे आपके नेट के पेपर सारे सॉल्व करेंगे पिछले पाँच साल के दो हज़ार तक के जितने भी आपके नेट के पेपर हुए हैं दो से सारे हम पेपर इस सॉल्व करेंगे हर वीडियो में एक पेपर इंक्लूड करेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपके जल्दी जल्दी से अब देखो अगर वैसे देखो कितनी बोटी बुक हो जाती है वो होने में बहुत मुश्किल लगता है अब एक वीडियो देखो पांच दस मिनट की वीडियो है आपका पेपर जल्दी से हो जाएगा एक कवर ठीक है इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव यह बहुत इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन और क्या सब्जेक्ट किसका एग्जांपल है तो सबसे पहले हमारे पास है फ्यूजन फ्यूजन किसका एग्जांपल है ये आपको पता ही बायोफिजिक्स का दो सब्जेक्ट्स को मिला के जब एक सब्जेक्ट बनता है बायोफिजिक्स हो गया तो ये फ्यूजन हो गया अब ए का क्या आ गया है फोर अब फोर ए की मैं तो मतलब यही आंसर है इसका चलो आप आके भी देख लेते हैं डिस्टिलेशन इसका क्या आंसर होगा इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं मैनेजमेंट इसका एग्जांपल है लूज लूज असेंबली का है मैथ्स ऑफ फॉर इंजीनियर्स ठीक है लूज असेंबली का मैथ्स फॉर इंजीनियर्स है डिस्टिलेशन का मैनेजमेंट है और लेमिनेशन का लाइब्रेरी क्लासीफिकेशन हो गया ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी सिक्स क्वेश्चन लाइब्रेरी ट्रेंड्स या पब्लिकेशन है दे रखा है और पब्लिशर दे रखा है तो पब्लिकेशन और पब्लिशर बताएं तो लाइब्रेरी ट्रेंड का कौन है लाइब्रेरी ट्रेंड का है यूनिवर्सिटी ऑफ ये ठीक है लाइब्रेरी ट्रेंड का आ गया फोर और बी में है इंफॉर्मेशन टुडे एंड टुमारो इसका कौन है पब्लिशर बी का वन हुआ नीसेट हुआ ठीक है तो यही आ गया इसका आंसर ठीक है इसके बाद फोर्टी सेवन क्वेश्चन फोर्टी सेवन क्वेश्चन में हमें दे रखा है आइटम्स की लिस्ट एक वन में और यूजेज दे रखे उस आइटम का क्या यूज होता है तो वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब हमें पता होता है फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में यूज आती थी ठीक है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हमारा फर्स्ट जनरेशन में होता था तो इसका आंसर ए होगा वैसे तो ए टू ए में है फिर भी हम बाकी देख लेते हैं इसमें फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क भी एक तरह का मैग्नेटिक स्टोरेज है ठीक है बिल्कुल सही सी है सी डी रोम सी डी रोम क्या करता है ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और ट्रांजिस्टर हमारे सेकेंड जनरेशन में आ गए थे तो आंसर हो गया इसका ए इसके बाद 48 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन में हमें रखे हैं नेटवर्क दे रखे हैं और लोकेशन दे रखी हैं तो कौन सा नेटवर्क कहाँ पे लोकेट था तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इंडिया का नाम देखते हैं आपको पता होना चाहिए इंडिया का है ई आर नेट है इंडिया का ठीक है ओके चलो स्टार्टिंग देखते हैं ए ओ सी एल सी ओ सी एल सी कहाँ बना था यूएस तो इसका थ्री होगा थ्री ए की आंसर होगा इसमें इंडिया वाला भी देख लो आप ई आर सी का चार है ठीक है तो बिल्कुल सही है अपना चलो बता देता तो, हूँ जानेट का यू के हमारा और इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर का आंसर है हमारा कैनेडा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी नाइन क्वेश्चन है रेफरेंस बुक और कैटेगरी और इसके हमें नेम ऑफ रेफरेंस बुक बतानी है मतलब एग्जांपल बताना है कौन सी कैटेगरी का डिक्शनरी का एग्जांपल है

अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्टी क्वेश्चन रिसर्च बुक और उसकी अरेंजमेंट बतानी है तो वर्ड ऑफ लर्निंग का है हमारा अच्छा देखो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी ये क्या है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी हमारी क्लासिफाइड अरेंजमेंट है ठीक है डी में टू ए की है ये आंसर हो गया हमारा ठीक है तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए वीडियो में हमारा इतना ही और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के किसी भी एग्ज़ाम की और यू जी सी नेट पेपर वन की तो हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी कर लो और भी वीडियोस आते रहेंगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे लाइक जैसे ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो ये यू जी सी नेट के पेपर लास्ट ईयर के पेपर्स की है जिसमें हम सॉल्व करते हैं इसमें मैं कोई एक्सप्लेन नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसमें मैं कोई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा सिर्फ आपको आंसर स्टिक करवाऊँगा ताकि आपका पेपर रिवाइज हो क्योंकि एज़ इट इज़ फिफ्टी फोर्टी परसेंट नेट के पेपर में से पेपर आता है नेट का भी या दूसरे में से भी दूसरा कोई भी आप अगर आप पेपर दे रहे हो तो नेट के पेपर में से ही आता है तो थैंक यू इस वीडियो के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं थैंक यू